मैं हूं नेहा और आज टेली मसाला की टीम पहुंची है स्वरागिनी के सेट पर और हम हैं शर्मिष्ठा जी के मेकअप रूम में। शर्मिष्ठा जी कहूं, परिणीता कहूं, क्या कहूं? परिणीता है ना? या और आज हम यहां देखने वाले हैं, शायद ऑडियंस आपको पहचानने भी हाँ, मैं साड़ी में नहीं हूँ, जुड़ा आधा बंधा हुआ है आधा मेकअप। सो आई होप आप लोग पहचान ले। हाय, दिस इज शर्मिष्ठा परिणीता बौठाकुर फ्रॉम स्वरागिनी। तो वेल, आज हम इनके मेकअप रूम में घुस गए हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से परिणीता बनती है शर्मिष्ठा, है ना? तो किस तरह से शुरुआत होती है दिन की, ये बताइए। यहाँ पे आके तो इमीडिएटली हमेशा ये होता है कि जल्दी जल्दी करो। सो मेकअप मेरा शोमू दादा करते हैं, जूली दीदी हेयर करती हैं, तो वो लोग भी आ जाते फटाफट जैसे आपने देखा, इसलिए हाफ मेकअप ऑलरेडी हो चुका है मेरा और हेयर भी आधे बंधे हुए हैं। सो वही पहले मेकअप करके फिर मेनली मेरा लुक तो चेंज होता है मेरी बिंदी से, बिकॉज उससे फिर एक मैच्योर्ड लुक आ जाता है, फिर मैं बन जाती हूँ शर्मिष्ठा। अच्छा, कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि इस तरह का ही लाउड नहीं चाहिए मेकअप, किस तरह का मेकअप और हेयर को लेकर? मैं अपना बेस कभी भी एकदम लाउड नहीं करती। मैं अपने फेस का जो मेरा कलर है जितना हो सके सिमिलर टोन रखती हूँ। मैं कभी भी बहुत गोरी दिखने की कोशिश नहीं करती। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैं बहुत, मतलब डीओपी ने आके मुझे कहा है कि आप इतनी काली क्यों लग रही है, आप थोड़ा सा ब्राइट कीजिए, ऐसा होता है। पर मैं जितना हो सके नेचुरल मेकअप में बिलीव करती हूँ। सो मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी मेरे सैड सीन्स आते हैं तब मेकअप नहीं करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो मेकअप को लेकर क्या कहना चाहेंगे वैसे, किस तरह के कुछ शेड्स पसंद है आपको? लिपस्टिक हो, आई मेकअप हो, क्या पसंद करते हैं? मेरे ज़्यादातर शेड्स जो है ना, सब आपको न्यूड शेड्स ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मेरा ब्लश ऑन सेट है, ये भी पूरा न्यूड शेड्स ही है। इवन माय आई शेडोज, इफ यू सी इट, इट्स ऑल वेरी न्यूड शेड्स। इवन लिपस्टिक्स, बट देन आई कीप अ रेड कलर बिकॉज, क्योंकि मेरा बंगाली कैरेक्टर है तो कभी कभी रेड लिपस्टिक वगैरह अच्छा लग जाता है। अदरवाइज इट्स वेरी 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 नेचुरल कलर्स दैट आई यूज़। एंड आई लव, इवन एक्चुअली अपने नॉर्मल लाइफ तो मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं ये बात, मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ इन माई रियल लाइफ। सो मैं अदरवाइज तो मेरा वैनिटी ये है, बहुत बुरी हालत में है, पर मुझे कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है मेकअप। वही हेयर की बात की जाए तो हेयर को लेकर कुछ कहना चाहिए, एक्सटेंशंस यूज़ करते हो क्या कुछ? नहीं, मैं इनफैक्ट ना एक्सटेंशन यूज़ करती हूँ, ना मैं बैक कॉम्बिंग करने देती हूँ, ना मैं पफ लगाती हूँ। सिर्फ वो जूड़ा जो है वो एक्स्ट्रा एक लगाना पड़ता है। इवन जब मैं अपने बाल खुले रखती थी तो मैं कभी भी मैंने विग नहीं पहना है। एक्चुअली अब दिन भर विग पहन के आई फील वेरी हैवी, सो आई वुड रादर यूज़ माय ओन हेयर एंड टेक केयर ऑफ इट। नहीं, खूबसूरत तो नहीं है जब। वैसे सेट पर अगर पूछूं तो किसका मेकअप और हेयर शर्मिष्ठा परिणीता सबसे ज़्यादा पसंद करती है? हेली का मेकअप मुझे पसंद है क्योंकि वो बहुत नेचुरल करती है, और इनफैक्ट उसका तो बाय द टाइम शूट ख़त्म होता है उसका तो मेकअप चला ही जाता है ऑलमोस्ट। एंड क्योंकि मुझे कम मेकअप पसंद है तो मुझे आई थिंक नेचुरल मेकअप ही पसंद है। कॉस्ट्यूम चेंज बाकी है, अदरवाइज मेकअप एंड हेयर इज डन। सो आई एम ऑलमोस्ट शर्मिष्ठा नाउ। टेली मसाला के साथ ये सेगमेंट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली बिकॉज नेहा है हमारे साथ। और आप भी बताइए आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू। चलिए, इनका ज़्यादा वक्त नहीं लेते क्योंकि इन्हें सीन में भी जाना है। तो आपको ये सेगमेंट, ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन दीपक के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला।